हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 16 का चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक क्या है? क्या है शिक्षक? भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर। श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर। तो कुछ श्लोकों द्वारा यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। पहले श्लोक में ही जो इस श्रीमद् भागवतम के 10 विषय है, ये पूरा भागवतम जो है ये 10 विषयों से भरा हुआ है। पूर्वे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम सुनाकर उनको शक्ति प्रदान की, उनको उद्देश्य दिया कि ये जो 4 श्लोक है उनको वे विस्तारित रूप के से उसका प्रचार करें और प्रसारण करें। ब्रह्मा जी जो है आदि गुरु है, वे डायरेक्टली भगवान से इस ज्ञान को प्राप्त किया और ब्रह्मा जी ने इसको विस्तार करके श्री नारद ने व्यास और व्यास ने यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को इस ज्ञान को समझा रहे। तो इन 10 विषयों में से सर्ग और विसर्ग, सर्ग और विसर्ग में क्या अंतर है? Who can tell? Yes, अनुपमा माता जी। माता जी, सर्ग इज जो इनिशियल प्राइमरी एलिमेंट्स, इनिशियल क्रिएशन जो भगवान करते हैं जिसमें वो 24 तत्वों का निर्माण करते हैं, और विसर्ग इज की वो सारे चीजों को लेकर के ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं। Yes. तो ये जो है तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये सब जो सामग्री, सर्ग जो पहला सृष्टि कौन करते हैं? भगवान से शुरू होती है, और कौन दूसरा जो है मूल, जो है मूल कारणों के कारण जो है भगवान श्री कृष्ण, जो यहाँ पे इस श्लोकों द्वारा बताया जा रहा है। अब यहाँ पे सर्ग की चर्चा की जा रही कि किस प्रकार से भगवान से, और से उसके बाद में जो विसर्ग। तो सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, मनवंत्र, उत्तय, ईश, अनुकथा और निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो ये 10 विषय जो है श्री ब्रह्मा जी ने पूरी विस्तार रूप से इस 18,000 श्लोकों के अंदर बताया, एक्सप्लेन किया है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे कि भगवान कौन है, तब वे हमें, हम उनको आम समझेंगे, क्योंकि उनके कार्य, खास करके वे जब मानवीय लीला करते हैं तो मानव जैसा कार्य करते हैं, तो हम उनको बहुत ही साधारण और सामान्य समझेंगे। इसीलिए उद्देश्य दिया जाता है कि भागवतम को कदम से पढ़ना चाहिए, तब हम जो 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तो उसका आनंद हम ले सकते हैं। तो इन 3 श्लोकों द्वारा बताया जा रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं, कि सब कुछ जो भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है, उनके शरीर, जैसे कि
ईश अनुभूति के पहले सोपान में जो पहला अध्याय था जो हम पढ़ चुके हैं उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सब कुछ जो स्थित कहाँ है विराट रूप के शरीर, पूरा विराट रूप का वर्णन उसमें किया गया। तो फिर से यहाँ पे वो जो चीजें बताई गई थी वे जो चर्चा थी श्री नारद मुनि और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को नारद मुनि ने प्रश्न पूछा, यहाँ पे अभी परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से वही प्रश्न पूछते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को पता नहीं था, तो लेकिन लोक कल्याण के लिए, सभी के हित के लिए, ताकि हम सबको उससे लाभ मिल सके, इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार आदि देव आध्यात्मिक और आदिभूत, ये तीन शक्तियां, आदि देव आदि आध्यात्म आदि देवी और आदि भौतिक तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो ये जो है जिसका उल्लेख पहले कर चुके, ये बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये बार बार बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में ताकि हमारे मन में कोई संदेह नहीं, और ये सब बातें जरूरी है ताकि हमारी जो भक्ति है हम दृढ़ रहे, अविचलित भाव से हम भक्ति कर सकते हैं, जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये बहुत जरूरी है अविचलित भाव से, दृढ़ता। अगर हम डिटैच होना चाहते, असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, वो दृढ़े न चित्वा, दृढ़ता की ये वेपन या हथियार से हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, बल कहां से आ रहा है ये जानना चाहिए। ये सब चीजें अगर हम जानेंगे तो हम अपनी स्थिति को समझ सकते, जैसे कि ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति को समझ लिया। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ जो शक्ति भगवान ने मुझे प्रदान की मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे ये शक्ति प्रदान की कि मैं ये सृष्टि कर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं। वो बल कहां से आ रहा है, उसके स्रोत का, हर एक चीज का बहुत ही साइंटिफिकली बताया जाए। तो ये भागवतम परफेक्ट, इसमें एक भी शब्द जो है गलत नहीं, या उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते, एज इट इज। तो यहां पे बताया जाए कि महाविष्णु, हमने जान लिया कि तीन जो विष्णु है और महाविष्णु के ही शरीर से सब उत्पन्न होता है और उनके भीतर सब कुछ है, आकाश से इंद्रिय बल, मन मानसिक बल, इंद्रिय बल, प्लीज नोट द पॉइंट्स, इंद्रिय बल, मानसिक बल,
तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं, किनके शरीर से? महाविष्णु के शरीर। इसके साथ ही संपूर्ण जीवन की शक्ति प्राण तो इसीलिए ये प्राण मत चित्त मत गत प्राण। प्राण कौन है? हम श्वास ले रहे हैं क्योंकि भगवान हमारे शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसीलिए पुरुषोत्तम योग नामक जो हमने भगवद्गीता का एक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम योग है। इस योग में हम भगवान को जान सकते हैं और ये अभी इसको जानने के लिए यहाँ पे विस्तार रूप से समझा जाए। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले हमें क्रम से पढ़ना है शास्त्र को, नहीं तो हम नहीं समझेंगे श्रीमद् भागवत। कितना भी पढ़ो नहीं समझेंगे जब तक हम क्रम से, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया ईशोपनिषद उपदेश अमृत भक्ति रासामृत सिंधु भगवत गीता और फिर भागवतम और फिर चैतन्य चरित। क्योंकि जहां पे भगवत गीता अंत होती है वहां पे श्रीमद् भागवत शुरू। तो अधूरा नॉलेज होगा तो हम नहीं समझ पाते। तो यहां पे यह बताया गया कि भगवान जो है हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है और ये सब शक्तियां, इसके साथ ही संपूर्ण जीवन शक्ति प्राण का समग्र उच्च स्रोत उत्पन्न होते हैं, सब कुछ उनसे उत्पन्न हो रहा है। ये है सर्ग, प्रोवाइडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड ब्रह्मा जी इज जस्ट पुटिंग इट टुगेदर। सब इंग्रेडिएंट्स जो है सर्ग, और वह कहां? भगवान की शरीर से, जो विराट रूप के शरीर, जो पूरा अध्याय में सब कुछ बताया गया कि अनेक अनेक विराट रूप के अनेक अनेक शरीरों के भाग क्या क्या, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। जिस प्रकार अब यहां पे बताया जा रहा कि वे सब चीजें संबंधित है भगवान के साथ, भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान ही उनके स्रोत है। तो अगर हमारा अस्तित्व है तो हम निर्भर किसके ऊपर? हम भगवान के ऊपर निर्भर। और यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे कि जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते हैं। इज इट क्लियर? डायनेमो इफेक्ट, पहला बटन या पहला शुरुआत, जब तक भगवान नहीं हिलते हम नहीं हिल सकते। यहाँ पर बताया कि वो जो गतिशील, जब तक भगवान की, जैसे यहाँ पे एक राजा का उदाहरण, ये बात समझ लो। क्योंकि हम सामान्यता से जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं उसको देख के हम समझ सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन है। तो इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी हमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं। और अगर हमें जान ले, जैसे कि भगवद गीता ने बताया, कार्य भगवान के कार्य दिव्य है, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रियां क्रियाशीलता रुक जाती है, स्टॉप, सब बंद हो जाएगा, सब कुछ चल रहा है,
भगवान के नियंत्रण में चल रहा है, उनके बिना कुछ नहीं। अभी बोल देते हैं कुछ भी हिलता नहीं है भगवान का के बिना, लेकिन कैसे? इस कहावत क्या है ये जानना है शास्त्रों के चक्षु के द्वारा। यहां पे भगवान बताए, श्री सुखदेव गोस्वामी समझाओ, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि व्यष्टि जीवात्माएं परम पुरुष की पूर्णतया शक्ति पर निर्भर है। अगर वे अपनी शक्ति को वापस लेते हैं, उदाहरण भी दिया गया पहले हमने पढ़ा, उसको कहते हैं निरोध, वापस रुक देना, रुकाना, रोक देंगे भगवान अपनी इच्छा, भगवान की शक्ति। पर यह जानना जरूरी है कि ये कहां पे होता है, कौन जानता है कहां पे होता है, कहां पे ये होता है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन? यस अशुभ, एनीबॉडी एल्स? क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन कहां पे होता है? माता जी, इन द नेवल ऑफ द वर्ल्ड, इन द या बट वेयर डज इट, व्हाई डज इट हैपन? मटेरियल वर्ल्ड, यस, सिंपल आंसर है, आप लोग सब जानते हैं, भौतिक जगत। इस एक पाद आध्यात्मिक जगत में तो सब कुछ जो है हमेशा के लिए सनातन है, उसमें ये नहीं होता क्रिएशन या सूर्य की तेज। भगवान बताते न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान बता रहे न तद, 15वें अध्याय के 5वें श्लोक, वहां पे जरूरत नहीं है सूर्य और चंद्रमा और सर्ग और विसर्ग, ये भौतिक जगत। बी वेरी क्लियर, देव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम, क्रिएशन एनाइलेशन। तो ये क्यों होता है जब भगवान चाहते हैं, तो क्यों ऐसे? तब सोचेगा कोई बुद्धिमान व्यक्ति कि क्यों वापस जानना है भगवान के शरीर में से स्थित होके फिर वापस निकलना है फिर वापस जाना, ये ऑकवर्ड सिचुएशन में हम क्यों क्यों रहना चाहिए, ये समझाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पूर्णतया सभी जीवात्माएं पूर्णतया शक्ति पर, भगवान की शक्ति पर निर्भर है, किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नो, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं है, चुराया हुआ तेज है ना कहीं और से, चंद्रमा भी और सूर्य भी, उनका तेज नहीं है, वो तेजस्वी नहीं बन सकते जब तक भगवान की ओर से जो स्रोत है रिफ्लेक्ट कर रहा है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कैन समबडी रीड 15वें अध्याय के 12, यद आदित्य गतम तेजो, आदित्य, आदित्य कौन है? सूर्य देव, उनका तेज कहां से आ रहा है? जगत भाषयते खिलम यत् चंद्रांसी यत् चाग्नो तत् तेजो विदिमामकम। 15.12, हु इज रीडिंग फ्रॉम टुडे? भगवद गीता कौन पढ़ रहा है? सिद्धार्थना माता जी। सिद्धार्थना माता जी, डू हैव द Or anybody has it, Kindi? I'll read, Mata. Mata ji, 15.12. Surya ka tej.
जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। भगवान यहाँ पे बता रहे ये कोड्स है कि सूर्य का तेज कहाँ से आ रहा है, मुझसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सब कुछ जो स्थित है भगवान के शरीर के अंदर। आगे बढ़ो। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज को भी मुझसे उत्पन्न है। अग्नि हमारे शरीर के अंदर हम हिल नहीं सकते हैं जब तक भगवान भगवान अपनी, जैसे कि इसी अध्याय में कि किस प्रकार से भगवान जठर अग्नि के रूप में हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है और वे ही हमें सहायता करते हैं कि हमारा पाचन शक्ति, नहीं तो हम पचा भी नहीं सकते हैं। भगवान का ये महिमा को जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर पूरा हमें जानना अबाउट कृष्णा अबाउट भक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, तब हम इसको समझ सकेंगे। जिस प्रकार अभी बल्ब बल्ब हाथ में पकड़ो जलेगा नहीं जलेगा, इसको कनेक्शन चाहिए किसके साथ, यहां पे बताया बल्ब स्वतंत्र तेज नहीं है, उसका स्वतंत्र तेज नहीं है। बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर है, सब यंत्र, अगर बिजली घर ही नहीं है तो फिर ये कैसे चलेंगे इतने, अपना मोबाइल अपना कंप्यूटर अपना आईपैड, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन जो जिसकी बुद्धि विकसित हुई है वे जान सकते हैं कि ये चल रहा है बिकॉज ऑफ बिजली घर। पर बिजली घर भी स्वतंत्र नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन, जब तक वो हाइड्रो, हाइड्रो भी कहां से आ रहा है, जल कहां से आ रहा है, वर्षा से। तो ये क्रम से यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से उदाहरण दे रहे हैं कि बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर है, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। पर इंडिपेंडेंट कौन है, भगवान स्वराट, क्योंकि उनके अंदर ही सब शक्ति है, वे अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते लेकिन हम नहीं, हम निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट, एवरीथिंग जो कुछ भी इस जगत में है इंटरडिपेंडेंट है। ये बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर, और सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहता है, और यह सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा अथवा गति पर निर्भर है। वी कैनॉट मूव एन इंच, हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। इसीलिए हम भगवान की कृतज्ञता हमेशा व्यक्त करना चाहिए कि हम श्वास ले रहे हैं तो ये भगवान की कृपा से, अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप है, वेरी सिंपल, सीधा सरल रूप से प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। और ये जो है सर्ग का विषय की चर्चा की जा रही है, और अगर हम समझ लें तो हम जो भगवान आदेश देते हैं कि उनके शरणागत हो जाए, देवता भी भगवान के आगे
तो ये बहुत सुंदर श्लोक में बताया गया कि जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति की गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं और सब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है, तो अन्य समस्त जीव की इंद्रियां कार्यशीलता रुक जाती है। तो बॉटम लाइन क्या है? सर्व कारणों के कारण और कैसे, ये जानना जरूरी है। इसीलिए आप सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से हमें बता रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।